कोरोना महामारी के चलते लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के छोटे छोटे व्यवसाय भी बंद हो गए, लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ है हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के नैन निवासी अंकुश के साथ। अंकुश बड़सर में लॉकडाउन के पहले मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा, जिससे अंकुश का मैकेनिक का कामकाज भी बंद हो गया। उसे रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे, लेकिन प्रदेश का पशुपालन विभाग अंकुश के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। पशुपालन विभाग ने बीपीएल बेरोजगार युवाओं को 600 मुर्गे वितरित कर रहा है। इसी स्कीम के तहत अंकुश को भी पशुपालन विभाग ने मुर्गे वितरित किए। पशुपालन विभाग 4 किश्तों में 150 के हिसाब से चूजे वितरित करता है, जिन्हें पालकर पशुपालक को अच्छी कमाई हो जाती है। इसी स्कीम का लाभ उठाकर अंकुश अच्छी आमदनी कमा रहा है। अंकुश ने बेरोजगार युवाओं से मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ने की नसीहत दी है, ताकि युवा घर पर ही रोजगार अपनाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। वहीं अंकुश ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे बकरी पालन का भी काम करना चाहता है, उसे मदद मुहैया करवाई जाए। सर, लॉकडाउन में पहले मैं दुकान करता था, मतलब मैकेनिकल की बड़सर में, और उसके बाद एकदम से मतलब अचानक लॉकडाउन हो गया, तो मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मतलब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। और सर, मतलब हमने पोल्ट्री फार्म के मतलब मुर्गे चिक्स वगैरह खरीदे और उनके लिए फीड फूड खरीदी और उसको पाला, और मतलब 40 दिन के बाद उनको हमने बेच दिया। तो सर, उसमें हमारे को मतलब इनकम भी अच्छी आई और मतलब हमारा घर का खर्चा भी बढ़िया चला रहा, मतलब लॉकडाउन के दौरान। तो अंकुश, जो बेरोजगार युवक जो है नशे की में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? सर, उनको मैं यही संदेश दूंगा कि मतलब वो भी अपना, जैसे वो बद्दी नालागढ़ में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वो अपना घर में रहकर यहाँ पोल्ट्री फार्म का काम खोलें और अपने चिक्स डालेंगे वो, और 40 दिन के बाद उनको मतलब नकदी पेमेंट कुछ आ जाएगी, मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा उन्हें, और घर में ही रह जाएंगे वो, और पैसा भी उनको मिल जाएगा। बात की जाए, आपकी एक डिमांड है सरकार से कि बकरी पालन भी आप खोलना चाहते हैं। हाँ जी सर, मतलब मैंने पोल्ट्री फार्म चिक्स का काम तो खोला ही है सर, अब मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार मुझे हेल्प दे कि मतलब मैं गोट फार्म के लिए भी, मतलब गोट फार्म का काम भी करना चाहता हूँ, मतलब बकरी फार्म का। वहीं स्थानीय निवासी देशराज का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अंकुश का मोटर मैकेनिक का कामकाज बंद हो गया था, जिस कारण उसे काफी दिक्कत पेश आई, लेकिन अब उसने मुर्गी पालन का व्यवसाय किया है, उसे अब अच्छी कमाई हो रही है। जी जी, उसने बहुत अच्छा काम करा है। लॉकडाउन के दौरान उसका जो है काम धंधा बंद हो गया था, उसके अंतर्गत उसने मुर्गे 600 मुर्गे पशुपालन की तरफ से खरीदे या कुछ भी जो भी है, उसका काम अच्छा चल रहा है। अब सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अंकुश ने पूरी मेहनत से काम करा है, वैसे वो भी अगर वो भी मुर्गे वगैरह कुछ लेकर आए तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। वो भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी इसके लिए रोजगारी, मतलब रोजगार मिल सकता है उनके लिए। वहीं बड़सर उपमंडल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें बीपीएल परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए 600 निशुल्क चिक्स और फीड पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही है। बड़सर में ऐसे 20 परिवारों का चयन किया गया है और उन्हें ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। सर, प्रदेश सरकार के सौजन्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग में कुछ ऐसी हमारी स्कीम्स हैं जो इस वक्त प्रदेश के अंदर मुर्गी पालन के अंतर्गत हम लोगों ने विभाग, पशुपालन विभाग ने चलाई हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पूरे प्रदेश के अंदर एक 600 ब्रॉयलर स्कीम है, जो कि गरीब परिवारों के लिए है, जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में हम करीब 150 जो ब्रॉयलर हैं, बर्ड्स डे ओल्ड जो चिक्स हैं, वो हम
अपने जो पशुपालक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको उनके घर द्वार पर मुहैया करवा रहे हैं। उसमें हम 150 मुर्गी 4 रोटेशन में हमने उनको 600 मुर्गी पूरी करनी होती है। इसमें जितने बर्तन हैं चाहे वो वाटर हैं या फीडर हैं वो भी मुफ्त दिए गए हैं। इसके अलावा जो फीड है वो भी सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया करवाई गई और उनको उनके घर द्वार पर मुहैया करवाई गई। तो इस तरह से ये हमारे इस बड़सर सब डिवीज़न के अंदर जो कि मेरा कार्यक्षेत्र है उसमें हमने 20 परिवारों को चिन्हित किया था और उनको हमने सेलेक्ट करके उनके घर द्वार पे ये स्कीम जो है।